रोजमेरी एंड मिनोक्सिडिल सबसे पावरफुल एंड फास्टेस्ट इंग्रेडिएंट है टू सॉल्व आर ऑल हेयर प्रॉब्लम्स। लाइक अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है, आपकी हेयर ग्रोथ प्रमोट नहीं हो रही, आपको न्यू बेबी हेयर नहीं आ रहे, ये दो इंग्रेडिएंट आपकी हर एक हेयर प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं एंड सबसे ज़्यादा क्विकली फिक्स कर सकते हैं। जितना कोई और DIY रेमेडी आप पे काम करेगी, उससे 3 गुना ज़्यादा स्पीड में ये दोनों इंग्रेडिएंट्स आपके बालों पे काम करते हैं। बट द थिंग इज़ कि जब हम इसे यूज़ करते हैं तो इसकी एडवांटेजेस के साथ साथ हमें कुछ एक डिसएडवांटेजेस भी देखने को मिलती है, जैसे कि डैंड्रफ होना, स्कैल्प फ्लेकी हो जाना, आपके बालों का झड़ना कंपैरेटिवली थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए और ज़्यादा बढ़ जाना, बालों का शाइन और लश्चर चले जाना, जिस वजह से इरिटेट होकर हम इनका यूज़ करना ही छोड़ देते हैं। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसा हेयर मॉइस्चराइज़र शेयर कर रही हूँ जो आपकी हर एक वो प्रॉब्लम फिक्स करेगा, जिससे आप इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को बहुत ईजीली अपने बालों के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये प्रॉब्लम सिर्फ उन लोगों का ही नहीं है जिन्होंने रोजमेरी और मिनोक्सिडिल का यूज़ किया है। देखिए, मौसम जैसे जैसे बदलता जा रहा है ना, एयर की ड्राइनेस ज़्यादा होती जाएगी, जिस वजह से हमें डैंड्रफ और स्कैल्प फ्लेकीनेस का प्रॉब्लम होगा ही होगा। तो जिनको भी डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, आज का ये वीडियो उनके लिए भी है। तो वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Hi everyone, welcome back to my YouTube channel and thank you so very much for watching Dr. Wingardium. I hope you all are doing great and loving whatever you guys are doing. तो आज के इस वीडियो में, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपके स्कैल्प में बहुत ज़्यादा फ्लेकीनेस है, डेड स्किन है और आपको बहुत ज़्यादा इचिंग और इरिटेशन आपकी स्कैल्प में हो रहा है, तो आज का ये वीडियो आपका वो सॉल्यूशन है। आज का जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है ना इस वीडियो का, वो है एलोवेरा जेल। देखिए, जो एलोवेरा होता है ना, वो 99% होता है वाटर एंड उसमें 1% होते हैं मिनरल्स एंड विटामिंस। और वो 1% मिनरल और विटामिंस ना सफिशिएंट होते हैं हमारे बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए, हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए, अगर हम इसका यूज़ इंटरनली भी करते हैं तो। अब देखिए, जो मिनोक्सिडिल और रोजमेरी होता है ना, वो हमारे स्ट्रैंड्स पे काम नहीं करता, वो जाके डायरेक्ट हमारे फॉलिकल्स में जाता है, लाइक रूट्स में जाता है, उनको इंस्टिगेट करता है कि आपको हेयर ग्रोथ करनी है, आपको न्यू हेयर उगाना है। दोनों के दोनों वैसोडाइलेटर है, दैट मीन्स कि वो वेसल में, हमारी डायरेक्ट स्किन सेल में जाकर काम करते हैं। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट इंग्रेडिएंट है, ये हमारे स्कैल्प पे ऊपर ऊपर काम नहीं करते, अंदर जाकर रूट्स में जाकर काम करते हैं, इसलिए हमें फास्टेस्ट रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। और हेयर फॉल इसलिए भी बढ़ता है क्योंकि जो हमारे हेयर थोड़े से वीक है ना, जब वो इतना स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट अपने स्कैल्प पे देखते हैं, अपने आसपास देखते हैं, तो उनको समझ नहीं आता हाउ टू रिएक्ट और वो मुरझा जाते हैं और वो गिर जाते हैं। तो जब भी आप मिनोक्सिडिल या रोजमेरी का यूज़ अपने बालों के लिए कर रहे हैं तो आपने घबराना नहीं है फर्स्ट मंथ में। मैंने अभी रिसेंटली मिनोक्सिडिल रिलेटेड वीडियो अपने चैनल पर डाला है कि किस तरह से मिनोक्सिडिल का यूज़ करना है। फर्स्टली तो देखिए, मिनोक्सिडिल का यूज़ वही लोग अपने लिए करें जिन्होंने हर एक DIY रेमेडी ट्राई कर ली है, जिनको पता है कि उनका जेनेटिक हेयर फॉल नहीं हो रहा, या जिनको लगता है कि उनकी डाइट में कुछ प्रॉब्लम है, या उन्होंने कुछ गड़बड़ किया था जिस वजह से उनको हेयर फॉल हुआ है, अब उन्होंने वो सारी चीज़ें इम्प्रूव कर लिया, अपना डाइट इम्प्रूव कर लिया, अपने विटामिंस और सप्लीमेंट्स इम्प्रूव कर लिए हैं, एंड उसके बाद वो अपना हेयर रीग्रोथ करना चाहते हैं, अपने बालों की थिकनेस बढ़ाना चाहते हैं, अपने बालों का टेक्सचर इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो ही आप अपने लिए मिनोक्सिडिल का यूज़ करें। और अगर आपको नेचुरल चीज़ की तरफ जाना है तो आप रोजमेरी का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि रोजमेरी भी इक्वल है मिनोक्सिडिल के। तो इन दोनों में से आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, बट सही तरह से आप यूज़ करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, और सही तरह से नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपको इसकी बहुत सारी डिसएडवांटेजेस फेस करनी पड़े। तो आप मिनोक्सिडिल वाला वीडियो अपने लिए ज़रूर चेक करें अगर आपको लगता है कि आप मिनोक्सिडिल का यूज़ करना चाहते हैं। अब एलोवेरा की मैं आपसे बात कर रही थी कि एलोवेरा में 99% होता है वाटर, 1% होते हैं न्यूट्रिएंट्स, जो हमारे बालों का जो फ्रिजीनेस होता है उसे रिकवर करता है। एलोवेरा में एक ऐसा एंजाइम पाया जाता है जो हमारे स्कैल्प से डेड स्किन को रिमूव करता है। अब डैंड्रफ क्या है, फ्लेकीनेस क्या है, वो डेड स्किन ही तो है, उसे ही हमें रिमूव करना है ना। तो एलोवेरा से बेस्ट इंग्रेडिएंट यहाँ पर क्या हो सकता है, एलोवेरा हमारे स्कैल्प को नरिश करता है, मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, हमें किसी भी तरह का स्किन इन्फेक्शन हो गया है
उसे हील करने में हेल्प करता है एंड हमारे बालों को हाइड्रेट करता है। तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रहा था, हमें हाइड्रेशन का प्रॉब्लम था, हमारी जो वो बालों का जो शाइन चला गया था वो हमें वापस चाहिए था, वो कैसे आएगा, हाइड्रेशन से। तो हाइड्रेशन हमें पूरा एलोवेरा से मिल रहा है। अभी हम जो सेकेंड इन्ग्रीडियंट यूज़ करेंगे वो है वाइटामिन ई के कैप्सूल्स। वाइटामिन ई के कैप्सूल्स क्या करते हैं, हमारे स्किन में कोलाजन को बढ़ाते हैं, हमारी जो इलास्टिसिटी होती है ना स्किन की उसे इम्प्रूव करते हैं। और हमारी स्कैल्प एक स्किन ही है, हमारी एक स्किन के ऊपर बाल उगे हुए हैं, तो अगर हमारा स्कैल्प हमारा बेस अच्छा होगा तो ऑब्वियसली हमारे बाल भी अच्छे होंगे। तो विटामिन ई यहाँ पर क्या करेगा, हमारे स्कैल्प को और ज़्यादा नरिश करेगा, हमारे स्कैल्प के कोलाजन को बूस्ट करने में हेल्प करेगा। कोलाजन बूस्ट होगा तो हमारी स्किन की इलास्टिसिटी बढ़ेगी, इलास्टिसिटी बढ़ेगी तो हमारे बालों का टेक्सचर ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होगा। तो अभी ये मैंने आपको कुछ एक बेनिफिट्स बता दिए, अभी मैं बताती हूँ कि आपको इसे यूज़ कैसे करना है। एलोवेरा जिसमें 99% होता है पानी और 1% होते हैं विटामिंस एंड मिनरल्स एंड एंजाइम्स, लेकिन दैट 1% ऑफ न्यूट्रिएंट कैन चेंज योर लाइफ। एंड मुझे लगता है कि एलोवेरा एक ऐसा प्लांट है जो हर एक हाउस होल्ड में होना चाहिए। अगर आपको बर्न हो गया है या आपको कोई एलर्जी हो गई, आपको कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया, आपको कोई रैश पड़ गया, आपको स्ट्रेच मार्क्स हैं, ट्रस्ट में अगर आप एलोवेरा का सही तरीके से यूज़ करते हैं आपकी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है एलोवेरा, जो नॉर्मली मॉनसून में इन्फेक्शन हो जाते हैं उसको भी क्लीन आउट कर देता है। बट द थिंग इज़ कि हम इसे सही तरीके से यूज़ नहीं करते। मेरे घर पे एलोवेरा बहुत टाइम से लगा था और जब मैं छोटी थी तो लिटरली मुझे एलोवेरा से बहुत नफरत थी। एक तो इससे जो येल्लो कलर का सब्सटेंस निकलता है ना वो मुझे इतना गंदा लगता था और मुझे उससे हमेशा ना इचिंग होती थी। बट दैट टाइम आई वॉज नॉट दैट ग्रोन अप कि मुझे समझ नहीं थी। बट नाउ आई नो कि वो जो लेटेक्स होता है वो टॉक्सिक होता है, अगर आप उसे एलोवेरा से रिमूव कर देंगे कम्प्लीटली तो एलोवेरा से बेस्ट कोई प्लांट आपके लिए हो ही नहीं सकता। आपको क्या करना है, जब भी आप एलोवेरा को कट करें उसे इस तरह से पानी में डिप करके आप आधे से एक घंटा रख लीजिए। बेस्ट इज़ कि अगर आप रात को एलोवेरा कट कर ले और उसमें रख दे तो भी बेस्ट रहेगा, आपका मतलब काम थोड़ा कम हो जाएगा। उसके बाद आप देख रहे हैं ना यहाँ पर कम्प्लीटली वाइट जेल आ रहा है एलोवेरा का और उसका जो एक्सट्रैक्ट है वो कम्प्लीटली निकल गया है। अब ये जो पानी है ना इसको आप प्लांट्स पे डाल सकते हैं, इससे कीड़े मकौड़े घर पर नहीं आते हैं। उसके बाद आपने इसके जो साइड में कांटे हैं उसे रिमूव करना है, एक चम्मच लेना है, चम्मच की हेल्प से आप इसे स्क्रेप करेंगे एंड बहुत इजीली एलोवेरा निकल जाएगा। मैं इतना डिटेल में इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि एक टाइम था जब मुझे समझ नहीं आता था कि भाई एलोवेरा को एक्सट्रैक्ट कैसे करना है, तो अगर आप चम्मच की हेल्प से इसे स्क्रेप करेंगे ना बहुत इजीली एलोवेरा निकल जाएगा। कुछ इस तरह का जेल आपके पास आ जाएगा। अब इसको आपने अच्छे से ग्राइंड कर लेना है, थोड़ा सा वाटरी आपको ये लग सकता है लेकिन आप एक घंटा उसे साइड में रेस्ट करने के लिए छोड़ दीजिए, वो अपने आप वाटर से थोड़ा सा ना जेल लाइक हो जाएगा, एप्लीकेशन करने में आपको थोड़ा इजी हो जाएगा। अब देखिए जिस तरह से आपने स्क्रेप करा था उसे आप डायरेक्टली अपने बालों में नहीं लगा सकते। एंड उसके बाद आपने इसमें 2 से 3 विटामिन ई के कैप्सूल डालने हैं जो कि न्यूट्रलाइज करते हैं हमारे फ्री रेडिकल डैमेज को, जिस वजह से हमारे बालों में ब्रेकेज होती है, हमारे बालों में स्प्लिट एंड्स होते हैं और बाल टूट जाते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी ये कम करता है और क्योर करता है, हमारे स्प्लिट एंड्स नहीं होने देता, ब्रेकेज कम करता है हमारे बालों में और हमारे बालों को जो प्रीमेच्योर ग्रेइंग हो रही होती है ना बालों में उसे भी कम करता है। इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है, अपने बालों में लगा दीजिए 40 मिनट्स 45 मिनट्स 1 आवर, जितना भी आपके पास टाइम है उतनी देर रखिए। ओवरनाइट अगर आप रखना चाहते हैं तो मेक श्योर करिए कि आप इसे एटलीस्ट सेमी ड्राई अपने बालों में होने दीजिए, क्योंकि अब थोड़ा सा वेदर चेंज हो रहा है तो हो सकता है रात में आपको ठंड लगे। इसमें आप फ्लेक्सी जेल भी ऐड कर सकते थे जैसे कि मैंने आपको पहले कहा, बट अगर आपके पास नहीं है तो इट्स कम्प्लीटली ऑप्शनल, कोई ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है। एंड अगर जिनको साइनस का प्रॉब्लम है वो इसे ओवरनाइट नहीं रखेंगे, एज आई मेंशन कि एलोवेरा में 99% वाटर होता है तो हो सकता है आपको सर दर्द हो। सो ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आपको अच्छा और हेल्पफुल लगा हो। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मेरे चैनल के एनालिटिक्स मुझे बताता है कि 99.9% एंड 1% लोग ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, रेस्ट जो वीडियो वापस आकर देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, आई डोंट नो व्हाई। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी, बाय बाय।
Thank you.